राधे राधे दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है फैसला। पापा बस हम लोग निकल रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। आप प्लीज घर का ख्याल रखना। हाँ, आपका खाना टेबल पर रख दिया है, जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। रात तक का ही खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा, और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। और हाँ, जाते जाते बाहर का ताला लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। दोनों बेटे और बहू कहते हुए अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों को रिजॉर्ट जाने का मूड है, सुबह से शाम तक वही मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार किसी ने भी विश्वंभर जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कारों में अपने बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के पास यूं ही ताकते रह गए। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गए और वहां रखे खाने को खोलकर देखा। केस रोल में 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काटकर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 बज ही रहे हैं, आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है, रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी इतना सा ही खाना बनाकर गई थी बहू। रात को घर आने पर बाद में विश्वंभर जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था, बहू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे तो वैसे भी अपने पत्नियों के आगे कुछ नहीं बोलते, पर आज फिर वही एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो ही थी जो कभी मुझे भूखा रहने नहीं देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर के खाना भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ घूमूंगा फिरूंगा खूब, पर यहाँ तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। जानता था कि हर बात के दो पहलू होते हैं, पर कभी इस पहलू के बारे में सोचा नहीं था कि पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीने से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले बंद करके जाते हैं, एक बार भी नहीं पूछते कि पापा आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है, किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्त के भी फोन नहीं आते, ना उनका फोन लगता है। अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। जब हाथ पैर चल रहे हैं तो मेरी कद्र नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूंगा तो मुझे कोई पूछेगा भी नहीं। किसी ना किसी निर्णय पर पहुंचना बहुत जरूरी हो चुका है। अभी विश्वंभर जी मन ही मन सोच रहे थे कि उनके फोन पर एक अनोन नंबर से फोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उसके दोस्त निर्मल जी बोल रहे थे, और विश्वंभर जी कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फोन लगा है। अरे निर्मल, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई। भाई यह पूछने के लिए कि कब तक भाभी के जाने का गम मनाएगा, कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब ये कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर रामेश्वर घूमने जा रहे हैं, तू भी चलेगा इस बार। पिछली 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया कब। अरे पिछली बार वैष्णो यात्री देवी करने गए थे, और उनसे पहले निर्मल मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तेरे फोन पर फोन लगाओ तो लगता नहीं, आखिर तेरे बेटों को फोन लगाया तब तेरे बेटे ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं, अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फोन लगाया तुझे, कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर विश्वंभर जी हैरान रह गए, उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 आ चुकी है, मतलब बेटे ने उन तक बात नहीं पहुंचाई और फिर उनका मोबाइल। अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक निर्मल जी की आवाज से विश्वंभर जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार जरूर जाऊंगा, कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉजिट करा दूंगा।
चल मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वही सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, तो वो तू बाद में दे देना। कम से कम तूने जाने के लिए हाँ तो की, वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट पहले ही कटवा दी है। अगर तू फोन नहीं उठाता तो आज हम तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे में भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है, कहकर निर्मल जी ने फोन रख दिया। रेनवर जी के फोन रखते ही विशंभर जी ने अपना फोन चेक किया। विशंभर जी के अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों ऊंची घूमने गए थे। देखकर विशंभर जी का दिमाग चकरा गया, इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रह गए। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले विशंभर जी ने अपने सारे दोस्तों को अनलॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए, अपने स्पोर्ट्स शूज निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और आईडी अपने पास रखे, मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए, अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा, जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतजार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब विशंभर जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहू चाय पी रहे थे तो विशंभर जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा कहाँ चल दिए आप? मैंने अपने दोस्त के साथ रामेश्वर टूर पर जा रहा हूँ, मेरा भी टिकट है। विशंभर जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी बेंगलोर के लिए रवाना होना है। मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है, बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? सोचा भी है आपने? छोटी बहू ने भी कहा, और क्यों फालतू में पैसे खर्च करना? आपके पास इतना ही पैसा है तो थोड़ा बहुत मुझे भी दे दीजिए, और वैसे भी इस उम्र में कहाँ घूमने की लग रही है आपको? कल को गिर पड़ गए तो सेवा कौन करेगा, इसीलिए चुपचाप अपना सामान वापस कमरे में रख दीजिए। मुझे ऑर्डर देने वाली तुम होती कौन हो बड़ी बहू? तुम लोगों ने मुझे अपने घर का चौकीदार समझ रखा है, जो अपने बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल से मेरे दोस्तों का नंबर ब्लॉक करने की? पापा वो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इसीलिए ब्लॉक किया था। अच्छा, मेरे आराम का इतना ही ख्याल है तो अपने बच्चे खुद संभालो। और रही बात मेरे घूमने फिरने के खर्चे की, तो वो मैं अपने खुद के कमाए पैसों से कर रहा हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कहकर विशंभर जी वहाँ से रवाना हो गए। बेटे और बहू से कुछ कहते और बोलते ना बना। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को जरूर अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे, हरि बोल।